हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा अलग तरीके का आज एडिटोरियल की क्लासेस होने वाली है। होप आप लोगों को पसंद आए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो वो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनको इंग्लिश से डर लगना बंद हो जाए, क्योंकि सच में इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश को हमें डराना है। ठीक है, तो इसके पहले जिनका भी ये जिसका भी है ESICUDC एग्ज़ाम, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लाइव चल रहा है ओली बोर्ड की तरफ से। आज 5 है, कल 6 तारीख है, तो कल शाम तक ये अवेलेबल रहेगा। तो आपको इस मॉक टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करने चाहिए। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें, 50 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 50 मार्क के क्वांट 25 क्वेश्चन, 50 मार्क के और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, 1 घंटा के रहेंगे पूरे, और टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मैक्सिमम मार्क्स 200। तो इसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करने चाहिए, इससे आपको बहुत, और देखो कोई भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो ना, उसमें आपको 110% पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जब आप बार बार पार्टिसिपेट करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट है। तो इसका लिंक मैं दे देती हूँ, पार्टिसिपेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट दोनों जगह है ना। तो या तो इस एडिटोरियल की क्लास को देखने के बाद आप इस लिंक पे से क्लिक करके आप उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेना, या फिर कल तक टाइम है आप कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। क्या बोल रहा है कि विंटर इज हियर ऑन इंडियाज डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि इंडिया ने क्या किया है, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। ठीक है, किसका बॉयकॉट? बॉयकॉट करने का मतलब नज़रअंदाज करना। ठीक है, तो बीजिंग विंटर ओलंपिक जो होने वाला है उसको इंडिया ने बॉयकॉट किया है। ये बोला है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ऐसा बोला होगा। बॉयकॉट का मतलब यही होता है। आगे पढ़ते हैं, द गेम्स इन चाइना हैव टेकन ऑन पोलिटिकल सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। यानी कि जो गेम्स है चाइना में, उन्होंने क्या, वो गेम्स क्या कहे कि पॉलिटिकली उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है अभी तक, डोमेस्टिकली और ग्लोबली। यानी कि जो ये गेम हो रहे हैं, ये क्या तीनों पहलू से लेके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तो डोमेस्टिकली, एक ग्लोबली, एक पॉलिटिकली, यानी कि तीनों प्रारूप पे यहाँ पे बात होगी कि कैसे ये जो गेम है वो कैसे महत्वपूर्ण है तीनों पर्सपेक्ट से। आगे पढ़ते हैं, यहाँ से हम समझना अब स्टार्ट करते हैं। ऑन द इवनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग ऑन फ्राइडे। ठीक है, यानी कि उस शाम, देखो किसी पार्टिकुलर शाम की बात हो जहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि दीदी इन द इवनिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं ना कि इन द इवनिंग, आखिर ऑन द इवनिंग क्यों हुआ। देखो कोई भी पार्टिकुलर डे हो, अगर उस डे पे कोई खास प्रोग्राम होने वाला है शाम में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑन द इवनिंग। यानी कि जो विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी थी वो कब हुई थी, फ्राइडे की इवनिंग में हुई थी। यानी कि वो तो खास दिन बन गया ना, फ्राइडे की इवनिंग, इस वजह से यहाँ पे आया ऑन द इवनिंग। यानी कि फ्राइडे को जो इवनिंग थी उस शाम में क्या हुआ था, विंटर ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था। कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था, इसलिए ऑन द इवनिंग हुआ। ओपनिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन का, क्योंकि सब्जेक्ट का ये काम हुआ ना, विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग, कहाँ पे, बीजिंग में, ऑन फ्राइडे। ठीक है, इंडिया अनाउंस, इंडिया ने अनाउंस किया, यानी कि अनाउंसमेंट का काम ऑलरेडी हो चुका है। कब हुआ है? फ्राइडे को हुआ है। और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ गेम्स, यानी कि डिप्लोमेटिक मतलब राजनीति से रिलेटेड, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो डिप्लोमेटिक इसने क्या किया है, बॉयकॉट किया है। किसका किया है? बॉयकॉट गेम्स किया है, ठीक है, बॉयकॉट किया है। अब आगे पढ़ते हैं, इंडिया ने ऑलरेडी बॉयकॉट कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे अनाउंस किया, क्योंकि अनाउंसमेंट का काम ऑलरेडी हो चुका है। ए डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स, किसका बॉयकॉट किया है, तो का यहाँ पे सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑफ आया, ठीक है, तो गेम्स का बॉयकॉट किया। द MEA करने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, तो सेड तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, क्या कहा, नो इंडियन ऑफिशियल, कोई भी भारत का ऑफिशियल विल बी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, कहाँ पे नहीं होगा, एट द ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज ऑफ द गेम्स। यानी कि कोई भी भारत का ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा। कहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, तो देखो ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ एट लगता है, ठीक है, याद रखना, एट द ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज ऑफ द गेम्स। यानी कि
ओपनिंग में भी भारत का कोई भी ऑफिशियल नहीं रहेगा और क्लोजिंग में भी भारत का कोई ऑफिशियल नहीं रहेगा। ओके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे MEA क्या हुआ, नाउन का काम हुआ, ठीक है। सेड क्या हुआ, यहाँ पे वर्ब का हुआ। ओके यहाँ पे ये तो पता ही, हेल्पिंग वर्ब। ओके चलो आगे पढ़ते हैं। विच रन फ्रॉम फेब्रुअरी 4 to 20, ठीक है। तो फ्रॉम आया, तो फ्रॉम के साथ हम याद रखेंगे कि फ्रॉम के साथ क्या आएगा, टू आएगा। फ्रॉम जैसे बिटवीन के साथ एंड आता है, वैसे ही फ्रॉम के साथ टू आता है, ठीक है। तो ये गेम कब से कब चलेंगी, यहाँ पे विच रन किस लिए आया, ये गेम्स हमारा आप सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए वजह से यहाँ पे रन आया। वो कब से कब चलेंगी, 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलेंगी। ओके तो ये जो गेम्स होने वाले हैं 4 से लेकर 20 फरवरी तक, इस गेम का भारत ने बॉयकॉट किया है, बोला है कि हमारे कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आखिरकार क्यों, इसका रीजन आगे दिया होगा। द डिसीजन यानी कि जो डिसीजन लिया गया फॉर एंड, किसके लिए डिसीजन लिया गया, फॉर के लिए यानी कि के लिए, फॉर एन ऑफिशियल बॉयकॉट यानी कि ऑफिशियल बॉयकॉट के लिए डिसीजन लिया गया ऑफ द गेम्स, मतलब गेम्स का बॉयकॉट। ए लोन इंडियन एथलीट यानी कि भारत का एकमात्र एथलीट हु क्वालिफाइड यानी कि जिसने क्वालिफाइड किया था, ठीक है। ए लोन कहने का मतलब अकेला इंडियन एथलीट, ठीक है, जिसने क्वालिफाई किया था स्कीयर आरिफ खान, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, आरिफ खान जी था, ठीक है। मात्र ये भारत के एकलौते ऐसे एथलीट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था। विल स्टिल टेक पार्ट, मतलब ये पार्ट लेंगे, स्टिल मतलब अभी भी ये पार्ट लेंगे, इन किस में पार्ट लेंगे, इसलिए यहाँ पे इन आया। अब बोथ आया, बोथ के साथ एंड आएगा, देखना। बोथ दी गेम्स, अच्छा तो बोथ दी गेम्स आया यानी कि जो दोनों गेम्स होने वाले हैं, दोनों गेम्स में ये एथलीट एक लौते ऐसे हैं जो दोनों गेम्स में यानी कि विंटर में भी भाग लेंगे। और यहाँ पे दो गेम की किसकी बात हो रही थी, विंटर ओलंपिक्स बॉयकॉट ऑफ द गेम्स क्लोजिंग यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी गेम्स में वो पार्ट लेंगे, ठीक है। बोथ दी गेम्स एंड इन द ओपनिंग सेरेमनी अलॉन्ग विथ सपोर्ट स्टाफ यानी कि ये जो आरिफ खान है ये दोनों गेम में भाग लेंगे, ठीक है। इनके साथ साथ, अलॉन्ग विथ कहने का मतलब इनके साथ, ठीक है। यहाँ पे आया ना, अलॉन्ग विथ मतलब इनके साथ कौन होगा, सपोर्ट स्टाफ हो लेंगे। अब देखो जो डिसीजन है, डिसीजन का यहाँ पे आया वर्ब, डिसीजन का यहाँ पे आया वर्ब। फॉलोड चाइनाज मूव दिस वीक टू चूज अ PLA कमांडर एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल टॉर्च डीलर। यह मूव कब आया, यह डिसीजन कब आया, ठीक है। यह डिसीजन का ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। द डिसीजन फॉलोड, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये डिसीजन कब हुआ, फॉलो कब हुआ, है ना। चाइनाज मूव, जो चाइना का मूव था यानी कि चाइना ने कुछ किया होगा, ठीक है। मूव मतलब कोई ऐसा कार्य, ओके। तो चाइना का जो मूव था, क्या कौन सा मूव था, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब चाइना का मूव। दिस वीक, इस सप्ताह, टू चूज मतलब उसने चुनाव किया, किसका चुनाव किया, ए PLA कमांडर, एक PLA के कमांडर को उसने चूज किया एज, कैसे के लिए, वन ऑफ के बाद हमारा नाउन हमेशा प्लूरल होता है, याद है ना आपको। तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे अगर पार्टिसिपेंट रहता तो गलत है, एस है इसलिए सही है, ऑफ द ट्रेडिशनल टॉर्च रिले यानी कि वहाँ पे जो ट्रेडिशनल टॉर्च रैली होता है, रैली होती है जिसमें टॉर्च लेके स्टार्टिंग किया जाता है, उसके लिए चाइना ने क्या किया था, एक PLA कमांडर को पार्टिसिपेंट के लिए चुना था जो कि टॉर्च रिले में भाग लेगा। अब ये है कि इसी कारण से ये डिसीजन आया कि भारत ने बोला कि भाई मैं तो भाग नहीं लूँगा। अब आखिर भारत ने उनके ऊपर आपत्ति क्यों जताई, ये तो कहीं ना कहीं दिया होगा। तो आगे पढ़ते हैं। द कमांडर, अब देखो कमांडर ऑलरेडी इनकी बात हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हुआ, क्योंकि हमने ऊपर कमांडर की ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की कर दी है कि APLA कमांडर कोई है। तो द कमांडर वाज, जो कमांडर थे, यहाँ पे फिर से कमांडर यहाँ पे क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है।
क्योंकि देखो जब भी आर्टिकल लगता है तो वो नाउन के आगे ही लगेगा, याद रखना। तो जो कमांडर थे वॉज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थे, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट का काम यहाँ पे हो चुका है इसलिए यहाँ पे वॉज लगा। वो इन्वॉल्व थे, किसी चीज़ में ही इन्वॉल्व होंगे ना, इसलिए यहाँ पे इन लगा। इन द जून 15, 2020 क्लैस, यानी कि जो 15 जून को क्लैस हुआ था, ठीक है, हाथापाई मारपीट झड़प हुई थी 15 जून 2020 को, उसमें वो क्या थे, इन्वॉल्व थे। वो कहाँ पे हुआ था, गलवान वैली में हुआ था, यानी कि 15 जून 2020 को एक क्लैश हुआ था, उस वो क्लैश कहाँ हुआ था, गलवान वैली में हुआ था। उस क्लैश में कौन इन्वॉल्व थे, ये पीएलए कमांडर इन्वॉल्व थे। इस वजह से भारत सरकार ने बोला कि मैं तुम्हारे गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि आप इनको टॉर्च बियरर बना रहे हो। ही वॉज सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब कहने का बाद में, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंटली क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब का काम कर रहा है। गिवेन, ही वॉज सब्सिक्वेंटली गिवेन, ठीक है, उन्हें बाद में दे दिया गया, क्या दे दिया गया, मिलिट्री ऑनर्स बाय बीजिंग। ओहो, मिलिट्री ऑनर्स दे दिया गया किसके द्वारा, द्वारा के लिए यहाँ पे बाई आया, यानी कि बाद में उन्हें क्या, ही वॉज सब्सिक्वेंटली गिवेन, उनको बाद में दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ऑनर्स दे दिया गया था, किसके द्वारा, बाय बीजिंग, बीजिंग के द्वारा उन्हें ऑनर दिया गया था। अब ऐसा होगा तो भारत तो गुस्सा करेगा ही कि तुम हमारे एक ऐसे कमांडर को बना रहे हो टर्च रेल जिसने हमारे गलवान वैली में क्लैश किया था और फिर उसको तुमने ऑनर भी दिया, तो भाई मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। द एम ई ए सेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने कहा, क्या कहा, द कमांडर्स पार्टिसिपेशन, कमांडर का जो पार्टिसिपेशन है इन द टॉर्च रिले, जो टॉर्च रिले में है, वॉज रिग्रेटेबल, यानी कि रिग्रेटेबल कहने का मतलब यहाँ पे पछतावा नहीं हुआ, यहाँ पे होगा निंदनीय, खेदजनक, ठीक है। वर्ड्स को समझना चाहिए कि वर्ड्स आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे रिग्रेट का मतलब पछतावा नहीं, मतलब दुखजनक है, खेदजनक है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिग्रेटेबल है, ओके। अनटिल दिस वक्त, इस सप्ताह तक न्यू दिल्ली वाज, जो न्यू दिल्ली है हमारा, न्यू दिल्ली यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाज कंसिडरिंग मतलब होता है विचार करना, सोचना, समझना, वो क्या कर रहा था, विचार कर रहा था इस सप्ताह तक, हैविंग इट्स टॉप डिप्लोमेट इन बीजिंग अटेंड द गेम्स, यानी कि हैविंग मतलब होना, इट्स किसके लिए आया, न्यू दिल्ली के लिए आया, ठीक है। न्यू दिल्ली क्या है, कहा गया टॉप डिप्लोमेट, यानी कि जो इसके अच्छे अधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनको क्या कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि हम उसे, उन्हें भेजेंगे कहाँ, बीजिंग अटेंड द गेम्स, यानी कि बीजिंग भेजेंगे, क्या करने के लिए भेजेंगे, कि वो जाए वहाँ पे गेम्स को अटेंड करें, ठीक है। ओनली इन नवंबर, केवल नवंबर में क्या हुआ, इंडिया ज्वाइन रसिया, इंडिया ने ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, रसिया को ज्वाइन किया, इन एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर दी गेम्स, यानी कि नवंबर में ही, ओनली इन नवंबर कहने का मतलब नवंबर में ही क्या हुआ कि भारत ने क्या किया, अपना एक्सप्रेस किया, अपना अपने आप को जताया, क्या जताया, सपोर्ट जताया, किसके लिए सपोर्ट जताया, फॉर आया, फॉर द गेम्स, यानी कि गेम्स के लिए सपोर्ट जताया, किसके साथ सपोर्ट जताया, रसिया के साथ जताया, फॉलोइंग ए मीटिंग, कब जताया, फॉलो, यानी कि मीटिंग होने के बाद, ठीक है, फॉलोइंग अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ रसिया, इंडिया एंड चाइना। अब यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे इसलिए लगा कि यहाँ पे तीन मिनिस्टर की बात हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर की, रसिया, इंडिया और चाइना, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉरेन मिनिस्टर आए। तो मीटिंग हुई थी तीन लोगों की, हुई थी किसकी, किसी फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई थी, कहाँ कहाँ की, रसिया, इंडिया और चाइना के, तीनों फॉरेन मिनिस्टर की, मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। उसके बाद इंडिया ने बोला कि भाई हम सपोर्ट करते हैं इस गेम्स को, इफ़ इंडिया, ठीक है, इफ़ इंडिया, यदि भारत डीलिंग विथ इट्स ऑन लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम विथ चाइना, यानी कि अगर भारत डीलिंग विथ, ठीक है, डील कर रहा है, क्या कर रहा है, इट्स किसके लिए लगा, इंडिया के लिए लगा, अपने ऑन लॉन्ग यानी कि अपने लंबी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि अपनी लंबी जो लिस्ट है प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स एक से ज़्यादा होंगी, लिस्ट एक ही होगा, लिस्ट ये होगा, ये लिस्ट है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इसको प्रॉब्लम्स बनाए, प्लूरल बनाए, और लिस्ट तो एक ही है, ठीक है, तो इसको सिंगुलर रखने दिया। तो ये क्या कर रहा है, भारत जो है
वो लॉन्ग लिस्ट झेल रहा है किसके साथ, चाइना के साथ, इसलिए यहाँ पे विद लगाए. एंड ए कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ मतलब ठहराव या फिर झड़प बोल सकते हैं, ठीक है. तो स्टैंड अप झेल रहा है, क्या झेल रहा है, ठीक है. तो इसको हम स्टैंड अप को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे गतिरोध. क्या है स्टैंड अप मतलब गतिरोध, ओके. मतलब मैंने बोला ना रुकाव, ठीक है. तो क्या कर रहा है कि चाइना एंड ए कंटिन्यूइंग स्टैंड अप यानी कि लगातार गतिरोध, ठीक है. लॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि भारत क्या कर रहा है, भारत जो है डील कर रहा है, क्या डील कर रहा है, अपनी समस्याओं को डील कर रहा है, ठीक है. अपनी बहुत सारी समस्याओं को डील कर रहा है. कहाँ डील कर रहा है, विद चाइना, चाइना के साथ उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको डील कर रहा है. इसके साथ साथ एक कंटिन्यू यानी कि अभी वो चल रहा है, क्या चल रहा है, गतिरोध चल रहा है, उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ. कहाँ पर, अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LOC पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं. हैड इनिशियली प्लान टू नॉट इन्वॉल्व इट्सेल्फ इन द पॉलिटिक्स सराउंडिंग द गेम्स, ठीक है. तो उसने क्या किया था, भारत ने स्टार्टिंग में क्या किया था, हैड इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग इनिशियली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है. प्लान्ड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है. तो उसने क्या किया था, स्टार्टिंग में उसने प्लान किया था, किसने प्लान किया था, भारत ने प्लान किया था टू नॉट इन्वॉल्व, नहीं इन्वॉल्व होने का, किस में, इट्सेल्फ अपने आप को, अपने आप को किसको, मतलब इंडिया को, इन द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सराउंडिंग द गेम्स यानी कि इस गेम को लेकर जो भी पॉलिटिक्स हो रही थी उस पॉलिटिक्स में भारत सरकार ने बोला कि मैं तो भाई पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, यानी कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊँगा. फिर क्या हुआ, बीजिंग टॉर्च रिले चेंज दैट कैलकुलस यानी कि बीजिंग का जो टॉर्च रिले था उसने क्या किया, चेंज कर दिया, बदल दिया डैट कैलकुलस. कैलकुलस करने का मतलब यहाँ पे वो जो भारत का सोच था उसको बदल दिया. कैलकुलस कहने का मतलब यहाँ पे वही है जो ऊपर बात हुई कि भारत ने बोला था कि मैं तो इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, और इस कैलकुलस ने जो बीजिंग का टॉर्च रिले था इस कैलकुलस को पूरी तरह, इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ द, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ब्रॉडर कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट कहने का मतलब कि एक उनकी मंशा, ठीक है, एक उनका रीज़न, ठीक था. तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या था, ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द PLA कमांडर, जो PLA कमांडर का सिलेक्शन हुआ उसका ब्रॉडर रीज़न क्या था, मतलब बड़ा रीज़न क्या था, इज, ठीक है. यहाँ पे अपना कॉन्टेक्स्ट, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है. क्या है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर है ना, इस वजह से हमारा यहाँ पे इज आया, ठीक है. देखो, ओके, इज एन ऑन गोइंग कैंपेन. इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो सिलेक्शन हुआ PLA कमांडर का, इज एन ऑन गोइंग कैंपेन, एक कैंपेन चलाया जा रहा है, ठीक है, बाय चाइना. किसके द्वारा चलाया जा रहा है, चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है, टू पब्लिसाइज गलवान यानी कि पब्लिसाइज मतलब हाईलाइट करना, उसको मुद्दा बनाना, ठीक है. गलवान को पब्लिसाइज कराना यानी कि उसको हाईलाइट करने का, एंड हाईलाइट द ब्रेवरी ऑफ द PLA ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब वहाँ के जो सेना है, ठीक है, और जो ब्रेवरी दिखाई वहाँ के सेना ने, उनके अकॉर्डिंग टू चाइना जो ब्रेवरी, बहादुरी को हाईलाइट करने की, किसके, PLA ट्रूप्स की. देखो, जो चाइना है उसने क्यों चूज किया आखिर, ठीक है, PLA कमांडर को क्यों चूज किया, यहाँ पे कहने का मतलब इसलिए चूज किया कि वो चाहता था कि वो गलवान घाटी को हाईलाइट करें और उन ट्रूप्स को हाईलाइट करे जो जो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे ब्रेवरी का काम किए थे, ओके. अब यहाँ से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ना, इसके बाद यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. होप कि आपको क्या है, ठीक है. तो थोड़ा सा इसका हम लोग समरी पढ़ते हैं. क्या हुआ कि अभी गेम्स होने वाले हैं, ठीक है, कहाँ पे गेम्स होने वाले हैं, बीजिंग में गेम्स होने वाले हैं. अब क्या हुआ, भारत ने अनाउंस किया कि भाई मैं तो बॉयकॉट करूँगा गेम्स का, ठीक है, इसलिए बॉयकॉट करूँगा कि आपने जो टॉर्च वियरर वहाँ पे चूज किया है वो एक PLA कमांडर को चूज किया है और उसे आपने ब्रेवरी भी दिया चाइना का. अब ये जो चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये रिग्रेटेबल चीज़ है. अब इस सप्ताह तक भारत सरकार ये सोच रही थी कि हम लोग अपने अपने बड़े बड़े अधिकारी भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, बीजिंग में भेजेंगे. लेकिन नवंबर में क्या हुआ,
अच्छा नवंबर में क्या हुआ कि भारत ने रसिया के साथ बोला कि हाँ जी मैं सपोर्ट करता हूँ गेम्स को। कब बोला जब एक मीटिंग हुई, किसकी? तीनों फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, किसके किसके? रसिया, इंडिया और चाइना के। अब क्या है कि इंडिया जो है वो खुद बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है चाइना के साथ, है ना। क्या है कि गतिरोध है, कहाँ पे गतिरोध है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने बोला कि मैं पॉलिटिकली इस गेम को नहीं देखूंगा, ठीक है, इसको गेम की तरह ही देखेंगे। लेकिन ये जो चाइना के द्वारा किया गया ऊपर में, इसके कारण भारत ने बोला कि नहीं अब मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। अब आखिर चाइना ने उसी पर्सन को क्यों चुना, पीएलए कमांडर को क्यों चुना? क्योंकि इसको चुनकर वो चाहता था कि हम लोग गलवान घाटी में जो हुआ था उसको हाईलाइट करें और जो ब्रेवरी जो ट्रूप्स की थी वहाँ पे अकॉर्डिंग टू चाइना उसको हाईलाइट करें, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इंडियाज स्टेटमेंट, यानी कि भारत का जो स्टेटमेंट है कब ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट का फॉर के लिए द गेम्स, यानी कि गेम्स के लिए इन नवंबर हैड कम्स कम, ठीक है। यानी कि भारत का जो स्टेटमेंट आया सपोर्ट में गेम्स का कब आया था? नवंबर महीने उसने सपोर्ट किया था, ये कब आया? नवंबर में आया। अमीड इस बीच आया द यूएस, जो यूएस है एंड इट्स एलीज, यानी कि इसके जो साथी हैं, अनाउंसिंग यानी कि अनाउंस कर रहे थे, ठीक है, ए डिप्लोमेटिक बॉयकट, ठीक है, मतलब कि राजनयिक बॉयकट उन्होंने किया था। किसने किया था? यूएस ने और इसके एलीज ने, यानी कि उसके साथियों ने, ठीक है। बिकॉज ऑफ किसके लिए, किसके लिए, ठीक है, क्यों किया था, रीजन क्या था बॉयकट करने का? राइट्स वायलेशन इन शिनजियांग, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था वायलेशन? वायलेशन करने का मतलब कि अधिकारों का हनन, ठीक है, अधिकारों का हनन कहाँ हुआ था? शिनजियांग में हुआ था। तो थोड़ा सा फिर से समझते हैं। देखो भारत ने ये स्टेटमेंट कब दिया कि हम इस गेम को सपोर्ट कर नहीं करेंगे? जब यूएस और उसके सहयोगी ने बोला था, अनाउंस किया था ए डिप्लोमेटिक राजनयिक बॉयकॉट का, किसका, किस कारण से? बिकॉज ऑफ, मतलब कारण से, बिकॉज ऑफ राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार और वायलेशन मतलब उनका हनन इन शिनजियांग, यानी कि शिनजियांग में उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। तो यूएस ने बोला कि भाई मैं तो तुम्हारे गेम को बॉयकॉट करता हूँ, वेयर, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे, जहाँ किसके लिए बात हो रही है? यहाँ पे इस प्लेस की बात हो रही है, वेयर माइनॉरिटी यूगर्स, यहाँ पे यानी कि उनकी एक जाति थी, ठीक है, माइनॉरिटी जाति, कौन सी जाति? यूगर्स हैव बीन सेंट टू री एजुकेशन, यानी कि उनको कहाँ भेजा गया था? री एजुकेशन भेजा गया था। री एजुकेशन कहने का मतलब बड़े बड़े कैंप लगा के उनको सेंड किया जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि रिहैबिटेशन के कैंप, तो उनको क्या किया गया था? री एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया गया था यूगर्स माइनॉरिटी को। इस वजह से यूएस और उसके एलिज ने बोला कि मैं पार्टिसिपेंट नहीं करूंगा। अच्छा अब देखो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? हैड इसलिए आया क्योंकि ये स्टेटमेंट हुआ था पास्ट में, ठीक है, और नवंबर थोड़ा और भी पास्ट हो गया तो इस वजह से ये हैड आया, ठीक है। एमिड मतलब होता है बीच में, ठीक है। यूएस एंड इट्स एलिज, इट्स आया यूएस के लिए आया, ओके, यहाँ पे यूएस के लिए अपना इट्स आया। तो अनाउंसिंग, ठीक है, और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, बॉयकॉट हुआ अपना नाउन, और नाउन यहाँ पे हुआ एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव मतलब बॉयकॉट कैसी है? डिप्लोमेटिक है, ओके। वायलेशन फिर से यहाँ पे अपना नाउन हो गया, वायलेशन मतलब अपना फिर से यहाँ पे नाउन हो गया, शिनजियांग फिर से अपना नाउन हो गया, ओके। अब देखो आगे पढ़ते हैं चाइना फर्स्ट, चाइना ने मतलब स्टार्टिंग में क्या किया? फर्स्ट कहने का मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। चाइना फर्स्ट डिनाइड, यानी कि उसने मना किया, क्या मना किया? द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैंप्स, यानी कि एग्जिस्टेंस मतलब उपस्थिति, उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसी कोई भी कैंप्स है ही नहीं है, इसको पूरी तरह से डिनाई किया। बट लेटर, लेटर मतलब बाद में, LATER मतलब बाद में, लेकिन बाद में क्या बोला? सेड, सेड मतलब बोलना, दे मतलब दे वर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि दे वर, दे किसकी बात हो रही है? उगर्स माइनॉरिटी की हो रही है, दे किसकी बात हो रही है? इस माइनॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे है वो वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि किसी स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है ना, किसी पार्टिकुलर स्किल की सिखाया जाता है कुछ काम वाम, तो उसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि लेटर, लेटर मतलब बाद में, सेट दे, दे मतलब इनकी बात हो रही है ना, दे वर वानी की पास्ट की बात हो रही है, फॉर किसके लिए भेजे गए थे, इसलिए फॉर लगा, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बोल,
चाइना डिनाउंस, चाइना ने निंदा किया, मतलब उसने बोला कि मुझे इस बात की खेद है, यानी कि निंदा करना, ठीक है, निंदा किया, क्या निंदा किया, द डिप्लोमेटिक बॉयकट, जो ये डिप्लोमेटिक बॉयकट हो रहा है उसकी निंदा की, बाय मतलब ये जो बॉयकट किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो बाय लगा, अराउंड और डजन कंट्रीज, एक डजन कंट्री मतलब लगभग एक दर्जन कंट्री ने, यानी कि 12-13 कंट्री के आसपास में, कहने का मतलब एक डजन में थे 12 कंट्री, लेकिन यहाँ पे अराउंड हुआ तो 12 से अप्रॉक्स अराउंड, तो लगभग एक दर्जन कंट्रीज ने क्या किया था, डिप्लोमेटिक बॉयकट कर दिया, ठीक है, तो चाइना इसको निंदा किया। विच इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड, अब भारत ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ये जो विच आया ये किसके लिए आया, ये जो बॉयकट हो रहा है उसकी बात हो रही है। विच इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड, यानी कि भारत ने भी सब इसमें शामिल कर लिया, ऑल्बिट फॉर डिफरेंट रीजन, हालांकि रीजन्स इसके क्या हैं, अलग हैं, ठीक है, भारत ने जो बोला कि मैं बॉयकट करूँगा तो इसका अपना डिफरेंट रीजन्स हैं। एज पोलिटिसाइजिंग द गेम्स, यानी कि भारत ने क्या बोला, रीजन दो दिया, ये रीजन, वो रीजन क्या दिया कि आप गेम को क्या कर रहे हैं, पोलिटिकल बना रहे हो। इट इज़ अनोदर मैटर, ये अलग बात है डैट कि, ठीक है, ये अलग बात है कि थ्रू हिस्ट्री, मतलब पूरे इतिहास में, यहाँ पे थ्रू हिस्ट्री कहने का मतलब पूरे इतिहास में हैव बीन इनहेरिटली पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी कि इनहेरिटेंट मतलब होता है कि परमानेंट, आप बोल सकते हो यहाँ पे परमानेंट, ठीक है, तो पूरे इतिहास में देखा जाए तो ओलंपिक गेम्स जो रहे हैं, ओलंपिक गेम्स का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये रहा है, ठीक है, तो ओलंपिक जो रहे हैं तो हैव बीन यहाँ पे क्यों लगा कि ये जो है हिस्ट्री से चल के और अभी तक आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे हैव बीन लगा। इनहेरेंटली मतलब परमानेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी कि अगर पूरे इतिहास में देखा जाए तो जो ओलंपिक गेम्स है इसको ये पॉलिटिकल इवेंट्स ही बना के रह गया है, ठीक है। फॉर होस्ट नेशन, यानी कि जो होस्ट करता है, जो इन गेम्स को होस्ट करता है, होल्डिंग अ सक्सेसफुल गेम्स, यानी कि होल्डिंग अ सक्सेसफुल गेम्स कैरी द प्रोमिसज ऑफ बर्निशिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि फॉर होस्ट नेशंस, यानी कि जो भी नेशंस इसको होस्ट करती हैं, होल्डिंग अ सक्सेसफुल गेम्स, यानी कि गेम्स को सक्सेसफुल बनाने में कैरीज द, मतलब लगता है, क्या लगता है, द प्रोमिस ऑफ बर्निशिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है, तो जो भी होस्ट नेशन है तो एक सक्सेसफुल गेम्स होस्ट करना, ठीक है, एक सक्सेसफुल गेम्स होस्ट करना कैरीज, मतलब ये ढोता है, क्या ढोता है, क्या लाता है, द प्रोमिस, यानी कि प्रोमिस लाता है ऑफ बर्निशिंग, बर्निशिंग मतलब बोल सकते हो आप चमकाना, ठीक है, उसको पॉलिश करना, उसको अच्छा बनाना, लेजिटिमेसी यानी कि वैध, यानी कि वैधता ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी कि उस वक्त में उस कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है उसकी वैधता को चमक देती है, कहने का मतलब कि अगर कोई नेशन कोई गेम अच्छे से होस्ट करता है तो उस सरकार की वाहवाही तो होती है ना, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि फॉर होस्ट नेशंस, होस्ट नेशन के लिए होल्डिंग इस सक्सेसफुल, होल्ड यहाँ पे आपका नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन देखो जब भी आईएनजी लग जाता है ना वर्ब में तो वो जीरण बन जाता है, हम बोलते हैं ना जीरण जीरण, तो जीरण क्या होता है, कुछ नहीं होता है, नाउन ही होता है, ठीक है। ए सक्सेसफुल गेम्स, तो यहाँ पे गेम्स हमारा फिर से नाउन हुआ, और नाउन की विशेषता क्या है कि ये सक्सेसफुल है, तो ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। कैरीज अपना क्या हुआ, वर्ब हो गया, ठीक है। प्रॉमिस, प्रॉमिस फिर से अपना नाउन हुआ, ठीक है। ऑफ यहाँ पे अपना प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन के बाद बर्निश लगा, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में लगा, तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्या करता है, बर्निश करता है लेजिटिमेसी को। द गेम्स विद इन चाइना, जो गेम्स हो रहे हैं चाइना में, चाइना के अंदर, हैव सर्टेनली टेकन ऑन पार्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जो चाइना में गेम्स हो रहे हैं उसने क्या किया है कि पॉलिटिकल यानी कि राजनयिक सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्वपूर्ण उनके जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिकली जो राजनीति है उनमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्ले रोल अदा करता है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। द गेम्स विद इन चाइना, यानी कि गेम्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वह हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो यहाँ पे इसके बाद टेकन हमारा वर्ब हुआ, टेकन हमारा वर्ब हुआ, और सर्टेनली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा एडवर्ब हुआ, ओके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्रीज बैटल
अगेंस्ट COVID-19। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इस तरह से देखें, इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब इस तरह से देखें, इस नज़रिए से देखें, ऑफ द कंट्रीज बैटल, जो देश का जो बैटल है, जो लड़ाई है, किसके अगेंस्ट में लड़ाई है, COVID-19 के अगेंस्ट में लड़ाई है। लास्ट मंथ मतलब पिछले मंथ जो COVID-19 के अगेंस्ट में जो लड़ाई थी सरकार की, देश की, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के कौन है, सी जिनपिंग, नोटेड दैट, उन्होंने कहा, नोटेड किया दैट द, उन्होंने कहा, नोटेड मतलब यहाँ पे कहना होगा, ठीक है, नोटेड दैट, यानी कि नोटेड मतलब किसी बात पे जोर देना, 2022 ओलंपिक वुड बी द फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट टू बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड सिन द आउटब्रेक ऑफ द COVID-19 पैंडामिक। तो उन्होंने क्या कहा कि द फर्स्ट, देखो फर्स्ट आया ना, यानी कि यहाँ पे द लगा, ठीक है, द फर्स्ट, ये जो हैगी बहुत ही ज़्यादा मतलब पहली इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होगी, ऐसी कोई गेम होगी, इवेंट टू बी हेल्ड, जो हेल्ड होगी, जो की जाएगी, एज शेड्यूल्ड, मतलब वो क्या हुआ है, शेड्यूल हुआ है, उसकी शेड्यूल, उसकी तारीख तय कर दी गई थी, कब से, सिंस द आउटब्रेक, यानी कि जब से आउटब्रेक, मतलब होता है कि धावा बोलना, धावा बोलना, या फिर बोल सकते हैं उसको कि प्रकोप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कब से इसका शेड्यूल हुआ था, आउटब्रेक, यानी कि जब से COVID-19 पैंडेमिक आया था, जब से ये प्रकोप आया था, तभी से, सिंस कहने का मतलब, सिंस द आउटब्रेक प्रकोप ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक, जब से इसका क्या हुआ था, शेड्यूल हो गया था, और उसके बाद से ये पहला ऐसा गेम है जो फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट बनेगा, ऐसा किसने बोला, सी जिनपिंग ने बोला। तो यहाँ पे सी जिनपिंग अपना क्या हुआ है, नाउन हो गया, ठीक है, मंथ अपना नाउन हो गया, और लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द अंडरलाइंग मैसेज इज दैट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट, अंडरलाइंग मतलब यहाँ पे हो गया इम्पोर्टेंट, ओके, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है इज डैट द सक्सेसफुल होल्डिंग, अगर सक्सेसफुल होल्डिंग होती है ऑफ द गेम, अगर सक्सेसफुल हो जाती है गेम अमिड द पैंडमिक, पैंडमिक के बीच में, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द चाइनीज पोलिटिकल मॉडल, यानी कि अगर ये गेम सक्सेसफुल हो जाती है तो ये चाइना को, चाइना की जो पॉलिटिकल मॉडल है इसको सबसे ऊपर बनाने में हेल्प करेगी, ये एग्जाम्पल सेट करेगी कि चाइना का जो पॉलिटिकल मॉडल है वो सब देशों से अच्छा पॉलिटिकल मॉडल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, जो अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट है मैसेज, मैसेज संदेश है कि सक्सेसफुल होल्डिंग, अगर सफलता से होल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, गेम्स हो जाता है, पेंडेमिक के बीच में हो जाता है, इज हमारा इज इसलिए लगा कि सक्सेसफुल होल्डिंग हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल होल्डिंग हुआ हमारा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे इज लगा। अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल होगा, अनदर के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, याद रखिएगा, सुपीरिटी, सुपीयर होगा, क्या होगा, चाइना का पॉलिटिकल मॉडल होगा, विच हैज़ बीन हाईलाइटेड एज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट स्पेशली विद हाउ द US हैंडल द पेंडेमिक, यानी कि US ने जो पेंडेमिक को हैंडल किया, इस आउटब्रेक को हैंडल किया, उसके साथ क्या होगा, इसको कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसके साथ क्या की जाती है, हाईलाइट की जाती है, ठीक है, विच हैज़ बीन हाईलाइटेड, जिसको हाईलाइट किया जाता हैज़ शार्प कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है तालमेल नहीं बैठना, ठीक है, स्पेशली किसके साथ, इसको तालमेल नहीं बैठाना, यानी कि कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अलग अलग, ठीक है, अलग अलग दिखाया जाता है, किससे, विथ, किसके साथ अलग दिखाया जाता है, हाउ द US, US ने कैसे, हाउ कहने का मतलब कैसे, हैंडल किया, क्या हैंडल किया, पेंडेमिक को हैंडल किया, ओके, यहाँ से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी। लास्ट ईयर, पिछले साल, द IOA यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, शायद इसका फुल फॉर्म होगा, तो लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो सारा अपना जो भी सेंटेंस होगा वो पास्ट में जाएगा, एडेड आया पास्ट में, एडेड किया, क्या ऐड किया, द वर्ल्ड, वर्ल्ड को ऐड किया, क्या, कौन से वर्ड को ऐड किया, टुगेदर वर्ड को ऐड किया, टू द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो, यानी कि जो ऑफिशियल ओलंपिक मोटो है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, उसमें क्या किया कि जो IOE ने है ना, उसने एक वर्ड ऐड किया, उस वर्ड का नाम क्या था, टुगेदर। देखो फिर से समझते हैं, लास्ट ईयर
द IOA एडेड द वर्ल्ड टुगेदर टू द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो ऑफ द फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, यानी कि पिछले साल IOA ने एक वर्ड ऐड किया जिसका नाम है टुगेदर, कहाँ ऐड किया, ऑफिशियल ओलंपिक मोटो फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर में, ठीक है। इफ डैट इज सर्टनली अ लाउडेबल एस्पिरेशन, ठीक है, अगर इसको एक अच्छी, लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय, एस्पिरेशन मतलब इच्छा, अगर इसको एक प्रशंसनीय इच्छा मानी जाए, इट इज़ क्लियर डैट एज फार एज द ओलंपिक्स आर कंसर्न्ड, ठीक है, अगर यह क्लियर है, यह साफ तौर से जाहिर है, अगर ओलंपिक्स को लेकर बात की जाए, ठीक है, आर कंसर्न करने का मतलब अगर इसको लेकर बात की जाए, द पॉलिटिक्स यानी कि जो पॉलिटिक्स है, नाउन यहाँ पे है, इज नेवर फार अवे, यानी कि पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा है, किससे नहीं रहा है, ओलंपिक्स गेम्स की अगर बात की जाए तो पॉलिटिक्स इससे ज़्यादा दूर नहीं रहा है। डैट विल सर्टनली बी द केस इन बीजिंग एज द लेटेस्ट गेम्स बोथ ऑन एंड ऑफ द स्की स्लोप्स बिगिन, इसकी यहाँ पे किसी गेम का नाम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर में आया था ना एक नाम स्कीयर आरिफ खान, ठीक है, यानी कि आरिफ खान क्या है, हमारे स्कीयर हैं, तो वैसे ही यहाँ पे स्कीयर की बात हो रही है कि अगर उस गेम की बात की जाए, ऑन कहने का मतलब स्कीयर गेम की बात की जाए, और ऑफ गेम की बात, ऑफ की बात हुई कि इसके अलावा भी जो गेम्स है बीजिंग में, गेम्स की बात की जाए, जो भी इसमें बैंक्स गेम्स होने वाले हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स होना एक निश्चित है, ठीक है, सर्टनली इन द केस, यानी कि ये केस यानी कि जो पॉलिटिसाइज करने वाला केस है, ये दोनों जगह पे आएगा, अगर इसकी गेम की बात की जाए उसमें भी आएगा, और इसके अलावा भी जो गेम्स है उसमें भी आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बात हुई, क्या क्या बात हुई, यहाँ से यहाँ तक मैं फिर से आपका आपको समझा देती हूँ। आखिर इसका लास्ट में ऑथर ये कहना चाहता है कि जो हमारा गेम होने वाला है बीजिंग में, वो हमेशा ओलंपिक जो भी गेम रहा है, वो हमेशा पॉलिटिकल, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, और लास्ट में ऑथर का यही मानना है कि इस बार भी जो चाइना में होने वाला है ओलंपिक गेम, वो भी पॉलिटिक्स से कहीं अछूता नहीं रहेगा, उसको भी पॉलिटिसाइज कर ही दिया जाएगा। होप गाइज कि आपको समझने में आसानी आ रही होगी, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, मेरा यही काम है, मैं यही चाहती हूँ कि आपको ईजी पड़े, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल विल नॉट अटेम्प्ट द ओलंपिक, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, अधिकारी है, उसको किसी भी प्रोग्राम में जाने से मना कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, ठीक है। यहाँ पे फिर से बॉयकॉट मतलब बहिष्कार, टेक ऑन मतलब होता है अर्जन करना, एक्वायर करना, सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण, ये तो आपको पता ही है, डोमेस्टिकली मतलब होता है घरेलू, ऑन द इवनिंग मतलब होता है शाम में, एक्सटर्नल अफेयर्स, लोन मतलब एकमात्र, फॉलो मतलब घटित, ये तो आपको पता है, आगे पढ़ते हैं, टॉर्च रिले आपको पता है, सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में, ऑनर मतलब होता है सम्मान, रिग्रेटेबल मतलब होता है खेदजनक, कंसीडर मतलब होता है विचार करना, डिप्लोमेट मतलब होता है राजदूत, एम्बेसडर, इनवॉय, एम्बेसी, काउंसिल, फॉलोइंग मतलब होता है केबा, स्टैंड अप मतलब होता है गतिरोध, इंस्टॉलमेंट, इन पासेज, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब गणना, ब्रॉड मतलब व्यापक बड़े स्तर पे, कॉन्टेक्स्ट मतलब किसी के संदर्भ में क्या कहना चाह रहा है, पब्लिशाइज मतलब ध्यान में लाना, उसको पब्लिक करना, हाईलाइट मतलब जोर देना, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ट्रिप मतलब सैन्य, एमिड मतलब बीच में, एली मतलब सहयोगी, वायलेशन मतलब उल्लंघन करना, और री एजुकेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग टू चेंज समवंस बिलीव और बिहेवियर, यानी कि किसी को उसके बिहेवियर में, उसकी थिंकिंग में चेंज करने के लिए अगर कोई एजुकेशन दी जाए तो उसे कहते हैं री एजुकेशन, डिनाई मतलब इनकार करना, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, वोकेशनल मतलब होता है आपका डायरेक्टेड ए पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, अल्बिट मतलब होता है हालांकि, इनहेरिटेंटली मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है, नेचुरल, परमानेंट, होस्ट मतलब होता है मेजबान कंट्री, ठीक है, बर्निश मतलब होता है इनहांस और परफेक्ट, लेजिटिमेट मतलब होता है वैधता, ऑफ डो मतलब मौजूदा, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, होल्ड मतलब आयोजित करना, और आउटब्रेक मतलब प्रकोप। तो गाइस कैसा लगा मेरा क्लास आप बताना, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और आपकी कोई भी सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइए, कहाँ बताओगे आप मुझे, कॉमेंट में बताओगे कि दीदी
ये आपके अंदर कमी है, इसको दूर कीजिए। और थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुका है। बाकी जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, जाइए और टेस्ट लगाइए और बताइए कि आपके कितने कितने स्कोर आए हैं। ऑल द बेस्ट गाइज़।